हेलो फ्रेंड्स, लबाबदार किचन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी अमर और आज हम बनाएंगे हलवाई स्टाइल में खस्ता कचौरी। तो खस्ता कचौरी बनाने के लिए हमें यहां पर 2.5 कटोरी मैंने मैदा ली है और 1-2 बड़ी प्याज ली है मैंने, और ये 2 चम्मच मैंने मटर ली है, और 2 चम्मच मैंने बेसन ली है, और ये धनिया लिया 1 कटोरी, और यहाँ पर हम थोड़ा सा हींग लेंगे, और ये आटा गूंदने के लिए मैंने 1 कटोरी पानी लिया है, और स्टफिंग रेडी करने के लिए मैंने यहाँ पर 4 चम्मच ऑयल लिया है, और ये मैंने यहाँ पर 1 चम्मच नमक लिया है, 1/2 छोटी चम्मच मैंने अजवाइन लिया है जो कि हम आटे में मैदे में डालेंगे, और ये हमने जो स्टफिंग के लिए मसाला लिए मैंने यहाँ पर साबुत धनिया लिया है, 1/2 छोटा चम्मच मैंने साबुत धनिया लिया, 1/2 छोटा चम्मच मैंने गरम मसाला लिया, 1/2 छोटी चम्मच मैंने रेड चिल्ली पाउडर लिया, और 1/2 छोटी चम्मच मैंने नमक लिए, और यहाँ पर मैंने हल्दी पाउडर लिया 1/2 छोटा चम्मच, और 1/2 छोटा चम्मच मैंने जीरा लिया है, साबुत जीरा, और ये हमने थोड़ा चटपटा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आमचूर लिया। इसके जगह आप अगर चाट मसाला है, आमचूर नहीं है तो आप चाट मसाला भी 1/2 छोटा चम्मच ले सकते हैं। तो अब हम अपना आटा गूंदेंगे। आटा गूंदने के लिए यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है जिसमें मैं ये 1/2 कटोरी मैदा डालूंगी। ये देखिए, इसके साथ ही ये जो नमक है ना, ये नमक, और हम ये अजवाइन डालेंगे। अजवाइन जो है थोड़ा सा इस तरीके से डालेंगे, ये अच्छा लगता है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है और डाइजेशन में भी अच्छा रहता है जो है। तो ये हमने डाला है इसके अंदर। अब हम जो मोन है वो 1/4 जो है हम इसमें मोन ऐड करेंगे। ये देखिए, और इसे अच्छे से पहले इस तरीके से रब करेंगे, ऐसे हथेली में लेकर और इसे ऐसे रब करेंगे ताकि जो हमारा मोन है ना वो सारे में अच्छे से, जो ऑयल है वो सभी में, सभी जगह अच्छे से चला जाए पूरे आटे में। ये देखिए इस तरीके से, दोनों हाथों से ऐसे करेंगे। ये देखिए, अच्छा अभी इसे चेक करने का देखिए क्या तरीका है। जैसे ये मैंने इस तरीके से पहले रब किया, उसके बाद हम इसे चेक करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमारी मुट्ठी बन रही है, तो इट मीन्स जो हमारा ऑयल है ना वो सभी जगह अच्छे से पहुंच चुका है। तो मतलब मोन, जो हमारा मोन है वो बिल्कुल परफेक्ट डला है, इससे ज़्यादा हम मोन नहीं डालेंगे, मुट्ठी बिल्कुल सही बन रही है देखिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका एक डो रेडी करेंगे। जो हमारा डो है वो सेमी सॉफ्ट होना चाहिए, ना ज़्यादा हार्ड होना चाहिए और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। तो हम सेमी सॉफ्ट आटा इसका गूंदेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिए पानी, ये देखिए फ्रेंड्स, हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा ही गूंदेंगे। जो आटा है ना वो हमारा सेमी सॉफ्ट रहना चाहिए, ज़्यादा मैंने बताया आपको, जैसे हार्ड नहीं रहना चाहिए, ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं रहना चाहिए। तो इसे अच्छे से गूंदेंगे, मेनली आटा ही रहता है जो हमारा अच्छा अच्छे से गूंदना होना चाहिए। तो इसमें थोड़ा थोड़ा आटा पानी डालेंगे आटे में। ये देखिए फ्रेंड्स, हमें इस तरीके से ये अपना डो रेडी करेंगे। ये देखिए, मैंने 1 कटोरी पानी लिया था, उसमें से देखिए मेरा ये थोड़ा सा बच भी गया है, तो ये हम नहीं यूज़ करेंगे, इतना ही लगेगा पानी। ये देखिए आटा हमारा बिल्कुल सही है। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे इस तरीके से, और इसे फिर एक बार अच्छे से गूंदेंगे। ये देखिए, ये देखिए हमारा ये आटा रेडी है। अब हम क्या करेंगे ना, थोड़ा सा इसके ऊपर और ऑयल लगाएंगे और ऐसे इसे अच्छे से, अब हम इसे ना 1/2 घंटा के लिए
इसे किचन टॉवल से जो गीला थोड़ा गीला करना है आपको और उसे कवर करके आधे घंटे के लिए रखेंगे तो ये थोड़ा और मतलब अच्छा वो हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही है, पर आधे घंटे के लिए हम इसे रेस्ट के लिए रखेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा आटा रेडी है। ये देखिए, बिल्कुल सेमी सॉफ्ट होना चाहिए, ना ज़्यादा हार्ड और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। अब हम जितनी देर इसको रेस्ट का हम टाइम देंगे 30 मिनट्स के लिए, हम अपनी स्टफिंग इतनी देर रेडी करते हैं। तो स्टफिंग रेडी करने के लिए मैं इसे साइड में रखती हूँ। स्टफिंग रेडी करने के लिए देखिए, मैंने यहाँ पर पैन लिए, गैस हम ऑन करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ पर पैन रखा है, ये गर्म हो गया। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे, गैस मैंने फुल पर किया है। ये देखिए, अब इसमें हम जीरा डालते हैं। जीरा के साथ ही मैं इसमें ये साबुत धनिया भी ऐड कर रही हूँ। और इसके साथ ही मैं इसमें थोड़ी सी हींग डालूंगी। ये देखिए, ये देखिए, ये हो गया। अब इसमें प्याज ऐड करेंगे हम। तो साथ ही मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे ये जो प्याज है वो हो गया। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। ये देखिए, ये मसाले हमारे इसमें ऐड हो गए। इसके साथ ही मैं इसमें मटर भी डालूंगी। सॉरी फ्रेंड्स, मैं ये बताना भूल गई थी कि यहाँ पे मैंने 3 बड़े साइज़ के आलू लिए थे, जिसे मैंने छीलकर बॉईल किया और फिर छीलकर उसे कद्दूकस कर लिया, तो ये भी हम इसमें डालेंगे। ये देखिए, और इसे मिक्स करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से पूरा हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारा मसाला। आप चाहें तो ना इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, मैंने हरी मिर्च नहीं डाली है। अगर आपको पसंद है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, आप थोड़ा इसमें हरी मिर्च डाल सकते हैं। कद्दूकस इसलिए की है आलू, क्योंकि कद्दूकस करने से फिर इसमें ना ऐसे गांठे नहीं बनती है, लम्स नहीं बनेंगे, तो ये अच्छे से देखो पूरा एक सार हो जाता है। ये देखिए, है ना, ये बिल्कुल सही हुआ है। और ये जो हमने इसमें बेसन लिया था, ये भी ऐड करेंगे। बेसन का टेस्ट भी इसमें बहुत अच्छा लगता है। और ये थोड़ा सा हम डालेंगे धनिया। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो स्टफिंग है ये रेडी है। इस टाइम पे अगर आप डालना चाहें, टेस्ट कर लीजिए, अगर आपको थोड़ा नमक कम लग रहा है तो डाल सकते हैं। मैंने मतलब टेस्ट किया, बिल्कुल सही है। तो हम थोड़ा देख कर डालेंगे, क्योंकि मैंने मैदे में भी थोड़ा नमक ऐड किया था, तो आप थोड़ा देख लीजिए, ज़्यादा तेज़ भी नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, हमारी स्टफिंग रेडी है, हम गैस ऑफ करेंगे अपना, और इसे बिल्कुल ठंडा होने के बाद ही हम जो अपना स्टफिंग है वो उसमें फिल करेंगे। तो ध्यान रखिए कि जो हमारी स्टफिंग है ना वो बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए। तो ठंडी होने के बाद फिर मैं आपको रेडी करने बताती हूँ कि रेडी कैसे करेंगे, कैसे हम उसमें स्टफ़ करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे आटे को मैंने ये कवर करके रखा था किचन टॉवल से, अभी इसको 30 मिनट्स हो चुके हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से ये सॉफ्ट हुआ है। अब हम रेडी करेंगे। ये देखिए,
तरीके से मैंने बॉल ली है, थोड़ी बड़ी साइज की लेंगे। अब हम इसे इस तरीके से फ्लैट कर लेंगे, ये देखिए, ठीक है। ये होने के बाद आप इसे रोलिंग पिन की हेल्प से आप इसे बेल भी सकते हैं, बेलन से। ये देखिए ऐसे हो जाएगा ना। इसके बाद हम की स्टफिंग इसमें डालेंगे। देखिए इस तरीके से थोड़ी सी और डालेंगे इसमें। देखिए अभी से बंद करेंगे हम ऊपर से। पहले हम ये सारे को ऐसे ऊपर लेकर जाएंगे। और जो ये एक्स्ट्रा वाला है ना, आप चाहें तो ये एक्स्ट्रा वाला जो है इसको इस तरीके से कट कर सकते हैं। ये देखिए ये मैंने निकाल दिया और इसे इस तरीके से पिंच करके इसे ऐसे हल्का हल्का हल्के हाथों से प्रेस करेंगे ताकि ये खुले ना। जब हम फ्राई करेंगे ना तो ये खुलना नहीं चाहिए। तो अच्छे से इसे ऊपर से इसके अच्छे से हम लोग इसे पिंच कर देंगे और ज़्यादा मोटी भी नहीं रहनी चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं तो इसे थोड़ा बेल सकते हैं, नहीं तो ऐसे हल्का हल्का ऐसे करके हम इसे प्रेस करेंगे। ये देखिए अगर ऐसा लग रहा है आपको कि ऊपर से खुल रही है तो हम इसे ऐसे पिंच करेंगे, ठीक है। ऐसे हम सारी जो कचौरी है रेडी कर लेंगे। यहाँ पर मैंने ऑयल जो है वो गर्म होने के लिए रखा है, कि मीडियम फ्लेम पर मैंने ऑयल रखा है। ये भी थोड़ा गर्म हो जाएगा, उसके बाद हम सारी कचौरी इसमें रेडी करके डालेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम सारी कचौरी बना कर रखेंगे। पहले मैं एक और आपको रेडी करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर ऐसे हम सभी रेडी करेंगे, उसके बाद मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स हमारी कचौरी रेडी है। ये बिल्कुल बहुत अच्छी बनी है, बिल्कुल फूली फूली। इसे हम अब निकालेंगे प्लेट में। ये देखिए अच्छे से ऐसे फ्रेंड्स, जो मेरी लास्ट की कचौरी थी ना वो भी मैंने इसमें दोनों डाल दी है। और ये जो बाकी की जो रेडी हुई है वो मैंने कढ़ाई में से निकाली है। देखिए कितनी अच्छी बनी है, बिल्कुल फुली फुली बनी है। आप भी इसी तरीके से बनाइए और ध्यान रखिए कि जो हम कचौरी जब बनाना है तो बिल्कुल लो फ्लेम पर बनाना है। बीच बीच में आप थोड़ा हाई भी कर सकते हैं, वो इसलिए क्योंकि तेल हमारा बीच में ठंडा हो जाता है, तो मैंने थोड़ा हाई पर भी किया था। तो ये बिल्कुल बहुत अच्छी बनी है। आप भी जल्दी जल्दी से अपने किचन में जाइए और बनाइए और मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपकी कचौरी कैसी बनी। और मिलते हैं हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू।